हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज फ्रॉम इट्स वन इन ए टू द अनदर इन बी। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, बी करेंट डेंसिटी एंड डी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट ऑन द कंडक्टर एज वन मूव्स फ्रॉम इन ए टू इन बी। सो द की कॉन्सेप्ट used here is that is electric current inside the conductor, right? Right, and we know the like conductor, right? सो मैं क्वेश्चन में दे रखा है कि लाइक द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर कंटिन्यूअसली डिक्रीज फ्रॉम इट्स वन इंड ए, यानी एक लेट से हमारा इंड ए है, से बी इंड तक क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, तो कुछ इस प्रकार से, राइट। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमारा इंड ए है एंड ये हमारा इंड बी है, राइट। इसे हम कनेक्ट कर रखे हैं बैटरी से, राइट। ये हमारा बैटरी है जिसकी ईएमएफ क्या ई है, राइट। तो हमें बताना है कि व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ लाइक व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, करेंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। लेट्स डिस्कस। सो वी नो लाइक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हम क्या जानते हैं कि जो जितना करंट ये लाइक इससे लेगा, लाइक बैटरी से जितना करंट निकलेगी उतना ही करंट ये वापस लेगा, राइट। अगर ये आई निकला तो आई ही बाहर लेगा, राइट। सो हम यहाँ से देख सकते हैं जितना करंट लाइक ए सरफेस पे उतना ही करंट बी सरफेस पे होगा, यानी जो चार्ज होगा लाइक जो करंट होगा इस कंडक्टर में वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। यानी चार्ज क्या हो जाएगा लाइक ए एंड बी पे क्या होगा, सेम ही होगा, राइट। सॉरी, करंट जो होगा सेम हो जाएगा, राइट। सो मैं यहाँ से कंक्लूजन क्या लिख सकते, दैट इज करंट एट बी इज सेम एज डेट ऑफ ए, राइट। ये हमारा एक कंक्लूजन है, राइट। नाउ हम ऑप्शन ए में देखते हैं। ए में हमें क्या रखा है, डेट इज व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा इंटू जे, राइट। जे होता है हमारा, डेट इज कंडक्टिविटी इंटू लाइक जे, डेट इज करेंट डेंसिटी। सो लाइक हमें ये देखना पड़ेगा, लाइक कंडक्टिविटी तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, राइट, है ना। सो हमें जे देखना पड़ेगा कि जे लाइक एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, राइट। सो लेट्स सी, तो जे इक्वल टू बी नो आई अपॉन ए होता है, राइट। आई क्या हमारा कांस्टेंट है दोनों सरफेस पे, तो एरिया पे डिपेंड करेगा। सो लाइक एरिया ऑफ बी नो, यहां से हम देख सकते हैं एरिया ऑफ ए क्या है, ग्रेटर देन द एरिया ऑफ बी है, राइट। सो यहां से हम कह सकते हैं जे ऑफ ए इज लेस देन जे ऑफ बी हो जाए, क्यों, क्योंकि जे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा, राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं जो हमारा जो करंट हो लाइक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई एट ए इज लेस देन ई लाइक ई एट बी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जे है, है ना। तो यहां से हम ये कंक्लूजन लिख सकते हैं कि जो हमारा बी पे जो लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी देन कंपेयर टू द ए, राइट। सो ये हो जाएगा ना, बी करंट डेंसिटी की बात करें डेट इज जे की, तो अभी हमने देखा जे के लिए क्या हो जाएगा, फिर बी की बात करें तो हम कह सकते हैं जे एट बी इज ग्रेटर देन जे एट ए, राइट। नाउ सी देखते हैं, डेट इज मोबिलिटी की बात कर रखी है लाइक कर रखी है, तो अभी नो मोबिलिटी क्या होती है। नाउ सी पार्ट में मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला गया, राइट। सो एक मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डेट इज म्यू, वी राइट इट म्यू इक्वल टू क्यू बाई एम इंटू टाउ, राइट, Q by m into tau, right? जहां पे ये tau जो है हमारा क्या है, relaxation time है, right? Relaxation time. And जो relaxation time है, वो depend करता है temperature पे, right? तो like हमें consider करके चलते हैं कि जो 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 conductor रखा गया है वो like A and B है, दोनों same temperature पे होगा, right? क्योंकि like ये जो surrounding का temperature है वो constant दोनों के लिए होगा, right? सो हमारा रिलैक्सेशन टाइम जो होगा इस कंडक्टर का क्या होगा, सेम ही होगा, राइट। सो हम यहाँ से कह सकते हैं जो मोबिलिटी हमारा होगा
लाइक जो चार्ज पार्ट, लाइक चार्ज का जो मोबिलिटी होगा वो ए एंड बी पे क्या होगा, सेम ही हो जाएगा, राइट? दैट इज म्यू बी इक्वल टू म्यू ए, राइट? सो यार दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ होल दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.